दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे साबुत मसूर की दाल और अब हम इसे पहले धो लेंगे। हमने दाल को अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे कुकर में डालेंगे और इसमें एक गिलास हमें पानी डालना है। दाल को अच्छे से धोना है ताकि अच्छे से साफ हो जाए। डालेंगे एक गिलास पानी और अब हम इसे हमने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसको तीन सीटी आने तक। दाल फ्राई करने के लिए हमने सारा सामान तैयार कर लिया है, जिसमें हमने दो टमाटर लिए हैं, दो प्याज कट कर लिए और चार पांच लहसुन के पीस कट कर लिए और आधा अदरक कट किया है और दो मिर्च कट किया है। और अब हमने इसमें मिक्सी में डाल के हम दो टमाटर को पीसेंगे और लहसुन डालेंगे और अदरक और हरी मिर्च को पीसेंगे हम, और प्याज को हम ऑयल में फ्राई करेंगे, उससे हमारा फ्लेवर और टेस्ट भी अच्छा आएगा। हमने इसमें दो चम्मच ऑयल डाल दिया है जो अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, चार मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे प्याज, प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगी प्याज, उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे हम। हमारी प्याज हल्की हल्की ब्राउन होने लग गई है और हमने इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया है, आप भी हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमारा मसाला फ्राई हो गया है अच्छे से और हमने इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। हाई फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो हमारा टमाटर इसमें अच्छे से फ्राई हो गए है और इसे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे और थोड़े मसाले डाल देंगे हम इसमें। एक चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाला है और एक चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और हमने एक चम्मच ही इसमें मिर्च डाली है। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार मिर्च डाल सकते हैं इसमें। हमारा मसाला तैयार हो गया है और इसमें से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है और अब हमने जो दाल उबाली थी वो हम इसमें ऐड कर हमने इसमें दाल ऐड कर दिया और इसे हम लो फ्लेम पर ही उबलने देंगे धीरे धीरे, जिससे हमारा टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हमारी दाल उबलने लग गई है और इसका बहुत ही अच्छा रंग भी आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। इसे रेडी होने के बाद आप जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। हमारी दाल बनके तैयार हो गई है और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। हमारी मसूर की दाल बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।